अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड ने बॉक्स ऑफिस पर एक और रिकॉर्ड बना लिया है। फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन 1.85 करोड़ की कमाई के साथ 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली। फर्स्ट डे ही फिल्म ने 25 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया था। गोल्ड अक्षय की 9वीं फिल्म है जिसने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली है। अक्षय से आगे अब सिर्फ सलमान खान है जिनकी 13 फिल्में इस क्लब में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। 100 करोड़ क्लब की बात करें तो अब अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन में कड़ी टक्कर होने वाली है। अजय देवगन की अब तक 8 फिल्में 100 करोड़ ही हैं। वहीं अगर बात करें तो शाहरुख खान भी 7 फिल्मों के साथ इस क्लब में हैं। हालांकि साल के आखिरी में तीनों की 100 फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। अक्षय की 2.0 जहाँ 29 नवंबर को रिलीज़ होगी, वहीं अजय देवगन की टोटल धमाल 7 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। इसके अलावा शाहरुख खान की 0 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में है। खास बात यह है कि तीनों ही स्टार्स की ये बड़ी फिल्में ना सिर्फ 100 करोड़ क्लब बल्कि 200 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई का मद्दा रखती हैं। वहीं 100 करोड़ क्लब में 13 फिल्मों के साथ मेंटेन है सलमान का स्टारडम। वहीं सलमान 100 करोड़ क्लब की लिस्ट में अब भी टॉप पर हैं। अब उनकी जो है 13 फिल्में इस क्लब में शामिल हो चुकी हैं। 2019 के ईद के दौरान उनकी अपकमिंग मूवी भारत रिलीज़ हो रही है जिसकी सफलता को लेकर ट्रेड एनालिस्ट अभी से ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं। लेकिन अक्षय कुमार आसानी से उनका ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे क्योंकि अगले साल उनकी भी कई बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ही मिलेगी सबसे पहले।